भैया आ जाए हैं धनजू गांव में, आपको एक बेहतरीन बैल दिखाना है जो कि पंजाब से आया भाइयों। और पंजाब में बैल ने 3 रेस जीत रखी और उसके बाद आज धनजू गांव में आ गया, जो कि अभी फिलहाल बैल की कंडीशन देखो, जो कि बिल्कुल पेट भी एक मुट्ठी के बोल दें वही है। और किसी भाई को चाहिए तो धनजू गांव में आवे और बैल को खरीद दे। और बिल्कुल जैसे कि बैल वो शांत स्वभाव का, ऐसा नहीं है कि कोई टक्कर मारने सोच रहा है कुछ, चले चले चले। और चलाक भी बहुत ही है, जैसे हल्का सा बोलते हैं, जैसे कि मैं हल्का सा झाँकूँ तो गैल बैल मान रहा। और जैसे कि हमारे कई भैया भाई आएंगे जो बुलंदशहर की तरफ हैं, बैल काफ़ी पसंद करें, तो उन भाइयों के लिए है फिलहाल भी बैल, जो कि अगर कोई बराबर की रेस भी खेल लेगा तो वो भी खेल लेगा। ऐसा नहीं है कि भाई बैल सिंगल पिड्ढे में बहुत ही अच्छा हिला हुआ है। और अभी करवाएंगे भैया से बात कि बैल कहाँ से लाए हैं, कहाँ से नहीं। आओ जी, ये खड़ा हाँ। तो भैया अपना नाम बता दो। मेरा नाम जीते, जीते गांव धनजू, और जिला है मेरठ भैया। तो भैया बैल कहाँ से लाए? पंजाब से। पंजाब से, तो पंजाब से आप लाए हो तो कटड़े वो सॉरी बैल ने वहाँ भी कुछ कर रखा? दो तीन रेस जीत रखी। तो छोटी रेस खेल ली जाओ, लंबी थोड़ी बढ़िया रेस, मतलब नहीं छोटी रेस खेल ली थी, लंबी खेल ली थी, छोटी वाली। वहाँ तो मुझे लगा शायद 5-6 किलोमीटर की रेस होती थी क्या? तो 5-6 किलोमीटर में 3 नंबर आया था। तो जैसे कि आपने यहाँ पे ला के चलाया तो बैल लग रहा 20-25 किलोमीटर चला जाओगा? बढ़िया एकदम, 50 किलोमीटर ले जा। जो कि बैल में हम ने तो देखा चलाया नहीं, बैल रोज राहदारी रहे वो भी चल जावे बढ़िया। और दुड़की दुड़की भी बाघ भी राहदारी। अच्छा अच्छा, तो कितने का मीटर मारता है वैसे ज्यादा चला के देखा तुमने? मीटर मारता है 45। 45 का। तो जैसे कि कुछ भाई अभी से बैल को देखेंगे और तो उसके बाद कांटेक्ट करने को चाहूँगा, तो एक बार नंबर बता दो अपना। 99-27-99-27-99-27-64-26-26-26। तो भैया इसी नंबर पर कॉल कर लियो। और बैल फोर सेल में है। चलो जी एक बार राहदारी हो दिखाते हैं बैल। ऐसा लगा नहीं मैं गोरा, ऐसा लगा मैं गोरा भाई पावर स्टीयरिंग मानी तो नागिंग की तरह ही ले रहा है भाई वाकई में। हैं है नहीं, देखने दिखाने लायक चीज है। मोड़ लाओ, चल रहा बहुत स्पेशल है अभी सारा, देखो कितना अच्छा। चला बहुत है राहुल में नकरा ओ तेरी और यो इसके लचकी सी क्या हो रही है? यो ट्रक में अटक गया था। अच्छा ट्रक में, ज्यादा गर्म मिजाज का है ना, समझदार बहुत है। जहाँ कहता हूँ खड़ा रहा, वैसे नहीं है कि भाई बदतमीजी दिखा रहा। देखो भाइयो समझदारी भी एक नंबर की। पहले अगर किसी भाई को अगर चाहिए है तो भैया से संपर्क कर लियो। बाकी किसी भाई को आकर पिड्ढे में चलाना तो मैं भी चल जाऊंगा। अभी फिलहाल रोड पे बालकनी ज़्यादा घूम रहे, वर्जिश कर रहे, तो इस वजह से ना जोड़ा है भाई। राहुल बैल कैसा लगा तुझे? बड़ा बढ़िया लग रहा है जी। जैसा तुमने पिड्ढे में चला के देखा कैसा चला था? सही चला, सही चले, मजा आवे बैठ के पिड्ढे में कि हाँ लग रहा कुछ बैठा जी लगे भाग भाग रहो। हैं टप्पा भी मार दे।
हाँ। देखो चलो भाइयो अब बैल की वीडियो देखो कैसी लगी, सही बताइयो। चलो जी बंद हो जी अंदर जी, सारा भी एक नंबर के मरने जिंजो मारते हैं। और देखो जी तैयारी की तो बिल्कुल जरूरत है नहीं, किसी भाई को कर लेना तो पहले इतना तैयार है कि पेट वेट छाटने की कोई ज़रूरत नहीं है जरा सी भी किसी भाई को। और पंजाब में देखो जो बैल है उसका तो तोड़ है ही ना, क्योंकि पहले नागौर से पंजाब में जाएं, पंजाब से जो बैल अगर हरा वो भी होगा वो भी स्पेशली काम करें हमारे यहाँ का, तो क्योंकि वहाँ का पीटा हुआ हमारे यहाँ कामयाब हो जाए। चलो जी अब बंद हो गुंडे में, और भैया के पास एक यहाँ पर पिटबुल जोरा जो कि फ्री दे रहे हैं, किसी भाई को चाहिए तो बता दियो इसी नंबर पर कांटेक्ट कर लियो, पिटबुल भी फ्री मुफ्त। चलो जी।